ओके नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंचन मुकारो सव भाव प्रणासनो सव भाव प्रणासनो मंगलाणं च सुवेसिं मंगलाणं च सुवेसिं अडमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय श्री सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बोलिए ब्रिज कुमार एक नवानंद जी का चार पांच दिन पहले आया था ज्ञानी के दर्शन मात्र से छुटकारा। हाँ वो तो उनकी दशा है ना जिसकी हाँ इसमें ये दादाजी ने नीचे लिखा है कि इस काल के मनुष्यों को दर्शन करने की शक्ति नहीं है इसलिए हमें ज्ञान देना पड़ता है। हाँ अभी क्या है कि ज्ञानी की अवस्था क्या है, ज्ञानी किसको कहते हैं, आत्मज्ञानी यानी कितनी बड़ी चीज है, इसका इस काल के मनुष्य को एहसास नहीं था। अरे हमको खुद को कहाँ था, वो तो दादा थे, दादा का इतना ज्ञान मिला तो आनंद तो था ही, आत्मा का अनुभव भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनका जो व्यवहार था और उनका जो प्रेम था इसकी वजह से हम उनसे बहुत ही जुड़े रहे, यू नो। और ज्ञानी किसको कहते हैं, वो कितनी ऊंची दशा पे है वो कहाँ से मालूम पड़ेगा, हमको इतना आत्मा का है कहाँ जो आत्मज्ञानी पुरुष की पहचान हो गई उसी। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक सामान्य आदमी हूँ, अभी गहने के बारे में तो हमको इतनी कोई पहचान नहीं होती है, थोड़ा बहुत मालूम है भाई इसको गोल्ड बोलते सिल्वर है और सिल्वर से ज्यादा गोल्ड महंगा और गोल्ड से ज्यादा थोड़ा डायमंड है, इतनी थोड़ी एक जानकारी थी। फिर कुछ साल पहले ऐसा पता चला आजकल प्लेटिनम का जमाना चल रहा है गहनों में, प्लेटिनम क्या है तो थोड़ा बहुत देखा हो व्हाइटिश जैसा होता है, तो नहीं नहीं इसकी बहुत कीमत है, ये है वो है, अभी हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो कोई कोई बोलेगा तो पता चलेगा अभी प्लेटिनम की इतनी वैल्यू है, इसका फैशन है, इसकी कीमत है, ये है। तो उसी तरह ये ज्ञानी पुरुष जिसको आत्मा का निरंतर स्पष्ट अनुभव है, जो दूसरों को आत्मा स्पष्ट अनुभव करा सकते हैं, ऐसे ऊंची पुरुष है। और मैंने तो कुछ समय पहले ऐसा बोला भी था कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पुरुष है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कोई पुरुष है तो तीर्थंकर भगवान, और उससे एक स्टेप नीचे इस समय के लिए पंचम आर्य के लिए तो वो है ज्ञानी पुरुष, कि जिनको बस केवल ज्ञान के कुछ अंश बाकी है टेक्निकली, बाकी केवल दर्शन खुला। अभी उतनी ऊंची दशा के व्यक्ति एकदम सादे गृहस्थ वेश में अपने जैसे बातचीत करते हैं तो पहचान में कैसे आएगा कि वो उनकी अंदर की दशा है। तो ज्ञानी को पहचानना बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही कठिन बात है। वो केवल कौन पहचान सकता है, जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, आत्मा क्या है उसको पता है और उसकी खोज में है तो उसको पहचान हो सकती है। तो इसीलिए इस काल में ज्ञानी की पहचान यानी है आत्मा ज्ञानी है, थोड़ा ऊपर ऊपर से रहेगा लेकिन अंदर की क्या ऊंची दशा है वो कहां से पता चलेगा। इसलिए दादाजी जो ये ज्ञान विधि कराते है या आत्म साक्षात का प्रयोग कराते हैं तब जाके हमें हमारे भीतर के आत्मा का अनुभव होता है और तब पता चलता है कि ये कितना ऊंचा सामर्थ्य उनके पास है। तीर्थंकर भी खटपट नहीं करते हैं, क्रमिक मार्ग के भी ज्ञानी इतनी खटपट नहीं करते हैं जितना दादा भगवान ने इस काल में की है,
कि आओ बताओ केरा कैसा है, परिवार का हाल चाल पूछते थे, अटाते पटाते थे और ज्ञान भी देते थे और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते भी थे। इसी तो कहीं पहचानने में असंभव ही नहीं, इसलिए उन्होंने सामने बोले ऐसे बच्चे है, पंच मारे के जीव है, माइनस मार्ग लेके आए है, इनको इतनी कषायों की कमजोरिया के साथ युक्त है, तो उनको बिचारों को क्या पता चलेगा, मुझे ही उनको अटाके पटाके सब बता के आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जब ज्ञान देते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है, तब पता चलता है उनकी क्या दशा थी, कुछ अंश था और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ज्ञानी का वो जो क्या बोलते हैं ना, हो भाव, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ये ज्ञान के जो समझ में आ रहा है, ज्ञान का एप्लीकेशन यानी जो पांच आज्ञा है, दूसरे संयम के जो बातें हैं, जैसे जैसे हम प्रयोग में डाला रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे जैसे अहो अहो होता है, ओहो क्या दादा है, क्या दादा ने विज्ञान खुला किया है, तो ऐसे जैसे हमको ज्ञानी की पहचान होती है कि वास्तव में वो कितनी ऊंची दशा पे है। उनका एक ही वाक्य काफी है, दो वाक्य में खाली बोलूंगा उनकी पहचान के लिए, वैसे तो बहुत सारी बात कर सकते हैं। दादा बोले ये इस वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी है, खुद के लिए बोलते थे ज्ञानी पुरुष वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी है, आप जो प्रश्न चाहो पूछ सकते हो, ब्रह्मांड का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका मेरे पास जवाब। अभी आप समझ सकते हैं कितनी ऊंची दशा। और दूसरी बात रिलेटिव में व्यवहार में बोलते थे मांग मांग, जो मांगना है तू मांग, मैं देने को तैयार हूं। अभी जिंदगी में हमने किसी के साथ ऐसा वाक्य का प्रयोग सुना है, तू जो मांगेगा मैं देने को तैयार हूं, दादा भगवान छाती ठोक के अनेक बार बोलते थे जो मांगना है मैं देने को तैयार हूं। यानी कितनी ऊंची दशा थी उनकी, ज्ञान की उतनी अच्छी दशा, चारों ओर देव देवियों का उनके साथ वो संबंध रहता था, किसी भी कोई व्यवहार की कठिनाई है तो तुरंत वो यथा योग्य देव देवियों से विनंती करके समस्या का हल करते थे। रिलेटिव की बात है, क्योंकि आज रिलेटिव का ही बोझा आत्मज्ञान या मोक्ष मार्ग में प्रगति में बाधक है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सबको मुश्किल व्यवहार की है ना, मेरा स्वास्थ्य नहीं है, बच्चों का है, हेल्थ पैसे का है, या कुछ ना कुछ समस्या है रिलेशंस में, संबंधों में ऐसा। तो दादा बोले पहले तो मेरे को ये सब थोड़ा निकालना पड़ेगा, थोड़ा कर्म का जो बोझा है, जो सफोकेशन है जो है, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, और फिर जाके ज्ञान की स्थिरता पकड़ेंगे ये लोग। और फिर जैसे जैसे ज्ञान की स्थिरता पकड़ते हैं, ज्ञान समझ में आता है, उसका उपयोग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, फिर दादा बोले अभी तुम स्वतंत्र हो गए, अभी तुम आगे बढ़ो। तो ये इन सारी बातों से हमें उनकी जो उच्च प्रकार की दशा, दादा बोले अगर मेरे को केवल ज्ञान होता ना तो मैं आपके काम में नहीं आता था। तो तीर्थंकर वगैरह केवल ज्ञानी होते ना, फिर वो खटपट नहीं कर सकते, 100% वितराग हो गए। तो मैं थोड़ा वितराग तो मैं माइनस हुआ ना, थोड़ा फेल हुआ तो आपके काम में आया, मैं खटपट कर सकता हूँ, भाई कैसा चल रहा है तेरा, तबियत पानी कैसा है, धंधा पानी कैसा है, ऐसा खटपट करता हूँ मैं। तो खटपट या वितराग थे, तो ये सब बातें है जिससे हमें उनकी आंतरिक दशा का पता चल सकते है। बाहर से तो कुछ पता ही नहीं चले, बाहर से तो जिसकी पुण्य कम है ना वो तो देख के चला ही जावे। शुरुआत के सालों में 77 में मैं जब आया था तभी वो हुक्का पीते थे, फिर वो हार माला पहनते थे फूलों की, अभी हुक्का पीते और सत्संग करते, बोलो अभी कोई बोलेगा ये सत्संग ये ज्ञानी है, बोले कौन है भाई, ये तो कोट टोपी पहना है, धोती पहनी है, तो ऐसे हुक्का हुक्का पीते, क्या अपने आप को ज्ञानी बोलते है, तो चला ही जा रहा है, लेकिन पुण्यशाली है वो टिकता है, बाद में सब छूट गया वो अलग बात है, लेकिन ये आंतरिक दशा अलग चीज है। और आज हमें उनके वचनों से और हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से जो हमें निराकुलता रहती है, उससे हमें अहोभाव होता है कि अद्भुत दशा उनकी, कितना वितरागों का गहन विज्ञान, वितराग भगवंतों का इतना गुह्यतम विज्ञान है, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं उन्होंने इतनी सरल भाषा में हम सारे संसारियों को, संसार में रहते हुए परिवार के साथ व्यवहार के साथ हम आत्म साधना या आत्म जागृति का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसलिए अहो अहो होता है। तो ये थोड़ा दादा ने बोला ये सब चटनी खिलाओ, थोड़ा मैं आत्मा का स्वाद दूंगा ना
हाँ चलो, इसे एक थोड़ी छोटी सी एक बात याद आ गई। दादा को जब आत्मा वो हो गया था आत्मज्ञान, 4 साल तक तो गुप्त था, बाद में उन्होंने थोड़ा शुरू किया सत्संग, तो बोले पहले मैंने क्रमिक का ही चालू किया था, लोगों को सब क्रमिक का समझाते थे ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आत्मा है ऐसा है। तो दादा बोले इनको इतना बोझा है ना, सब भाग चले गए। तो लोग भाषा में एग्जाम्पल क्या देते, वो जो मकान बनाते हैं ना, तो तावड़ा तगारा वो सब खोदने का सामान, वो सब मिट्टी उठाने का सामान होता है, वो सब फेंक के चले गए लोग। बोले इतनी शक्ति ही नहीं है कि धीरज से हम सुन सके, इतना कर्मों का प्रेशर है। इसलिए बोला अभी इनका पहले कर्मों का प्रेशर कम करना पड़ेगा, इसलिए ज्ञान विधि शुरू की, जिसमें उनको स्वरूप का ज्ञान पहले देता हूँ, पहले उनको ठंडक देता हूँ, और बाद में बोलूंगा अभी तेरा ये बाकी फाइलों का तू अभी निपटारा लिख कर देना, तेरे अपने आप कर ले। तो ये सारी बातें से हमें उनकी आत्मदशा प्राप्त होती है और हमें अहोभा होता है कि क्या अद्भुत दशा है। आज भी मैं कहता हूँ, आज भी भले हमने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसका प्रयोग या इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इससे शाब्दिक रूप से या ज्ञान के रूप से, समझ या ज्ञान दर्शन के रूप से हम उनको पहचान सकते हैं। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा शुद्धात्मा का स्वरूप है। इसलिए वो दादा भगवान को जो तत्व स्वरूप है, वो तत्व स्वरूप की पहचान हमें अंदर से हो रही है और उसके निकट या ज्ञानी के निकट हम जा रहे हैं। तो अहोभाव तो होता है ब्रिज जी के, क्या बढ़िया विज्ञान है। तो इनका ज्ञान इतना है तो उनकी दशा कितनी अच्छी हो, तो अहोभाव तो होता ही है ना। इसलिए वो ज्ञान देके पहले हमको स्वाद दिया, अनुभव करवाया कि देखो आत्मा अनंत सुख का धाम है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अभी आप आगे बढ़ो। तो थोड़ा बहुत इस सूत्र से ऐसा अनुमान या बात कर सकते। ब्रज कुमार जय सत्यम, दोबारा ये जरा पढ़िएगा। ये ज्ञानी के दर्शन मात्र से छुटकारा, ये अभी 5-6 दिन पहले आया था नमिन भाई का। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और दर्शन मात्र से इसीलिए ज्ञान दिया बताया। ठीक है, जय सच्चिदानंद। लीनानंद जी, ओ हाँ जी, नहीं यू गॉट वीडियो चले गया इसलिए। ओ मेरा, अच्छा अभी नहीं ना इसलिए। हाँ ओके, गंगाधरन जी जय सच्चिदानंद पुलिन भाई। जय सच्चिदानंद। जय बहन, किसी को भी तृतीयम जवाब देने पर, किसी को भी तृतीयम जवाब देने पर हमारी कितनी ही शक्तियां व्यर्थ हो जाती है ऐसा। ये रेफरेंस क्या है? ऐसा आया था, वो नंबर नहीं है। ठीक है ठीक है ओके। कब यू ऑन द डेट? फाइन ओके। सॉरी, किसी को भी तृतीयम जवाब देने से हमारी कितनी शक्तियां व्यर्थ हो जाती है। तृतीयम यानी एकदम अभी फालतू तो नहीं बोल सकते है, समथिंग टेंजेंशियल, कुछ ऐसा यू नो व्यर्थ का या कुछ भी फालतू या समथिंग इररिलेवेंट, समथिंग लाइक दैट। टेढ़ा जवाब। हाँ टेढ़ा, समथिंग टेढ़ा। हाँ टेढ़ा टेढ़ा, एकदम बोलना कुछ चाहिए लेकिन कुछ और बोल देते है, यू नो एब्सोल्युटली समथिंग इररिलेवेंट, ऐसा कुछ टेढ़ा जवाब दे देते है तो हमारी शक्ति व्यर्थ होती। वैसे तो ज्यादा बोलते वाणी में ही शक्ति बहुत व्यर्थ होती है, व्यय होती है, व्यय यानी वेस्ट होना। तो आत्मा के संबंध में बात करना दैट इज फाइन, और उसके अलावा हम संसार में जितना वाणी वापरते हैं तो उतना उसको लिमिट में यूज करना है, और वो तो फिर भी चलो कोई व्यवहार चलाने के लिए है, लेकिन बिल्कुल इररिलेवेंट टेढ़ा यू नो ऐसे फालतू कुछ बात करते हैं तो उसमें तो शक्ति तो वेस्ट होती है, एब्सोल्युटली वेस्ट होती है। इन द सेंस न आपका व्यवहार में कोई हेल्पिंग फैक्टर है, यानी व्यवहार चलाने में, या न आत्मा के संबंध में कोई हेल्पिंग है,
इसलिए इट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी, ऐसा कहना चाहते हैं कृत्यम। अभी व्यवहार है, अभी आप पूछेंगे उनको अभी क्या खाना बनाने का है वगैरह तो बराबर है, ओके दैट मेक्स सेंस। बट अभी आपको ऐसे ही कुछ बोलने के लिए बोलते, कुछ लोग है ना बोलने के लिए बोलते रहते, वो सब वेस्ट ऑफ एनर्जी है। वाणी में तो काफी एनर्जी जाती है, जय सच्चिदानंद। हनुमंत जी बोलिए। हनुमंत जी, ज्ञानी से दर्शन मात्र से छुटकारा। हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। ज्ञानी से दर्शन मात्र से छुटकारा होता है, अभी भी क्वेश्चन आया था 4 दिन पहले, उसको समझ में नहीं आया था। हाँ अभी अभी मैंने शुरुआत में यही बात बताई पूरी कि उनके दर्शन मात्र से छुटकारा यानी उनकी दशा ही ऐसी होती है, वह स्वयं आत्मदशा में रहते हैं, इसलिए उनके दर्शन करने से काफी काफी कर्मों का वो बोझा निकल जाता है, कर्म निकल निर्जरा हो जाती है। और उनके दर्शन यानी सिर्फ ऐसा स्थूल नजर से नहीं देखना, आंखों से नहीं देखना, लेकिन पहचानना कि ये ज्ञानी पुरुष है, ऐसे हमारे समझ में आना चाहिए, उसको दर्शन बोलते हैं। और वो दर्शन है तो उनको रियलाइज होगा ना, जैसे अभी ज्वेलरी है, अगर हमको पता चले तो ये तो छोड़ो, चलो ऐसे ही मिलते हैं रास्ते में, कोई आदमी मिलता है अच्छा लगता है, फिर पता है अरे ये तो डॉक्टर है, तो हमारे देखने का नजरिया पूरा बदल जाता है ना, अरे ये तो डॉक्टर है। फिर आप उसको बोलेंगे साहब जी मुझे थोड़ा ये दर्द है, मुझे इसका ये कर दीजिए, तो उसको डॉक्टर के दर्शन किए अपने ऐसा बोल सकते हैं। तो वैसे ज्ञानी के दर्शन कि ये आत्मज्ञानी है, मोक्षदाता पुरुष है, इस प्रकार से अगर हम उनको दर्शन करते हैं तो हमारा छुटकारा हो जाता है, क्योंकि हमको वो मुक्त और मुक्ति का रास्ता बताते हैं। मेरे को लगा कि आंखों से देखने से ही मुक्ति मिल जाती है, ऐसे मेरे को समझ नहीं। वो तो अभी ये आंखों से स्थूल शरीर देखेगा, लेकिन वो उसकी वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? अभी आप मुझे देख रहे हैं तो खाली देखने से पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ? वो तो ठीक है, जूम पे बैठा हूँ और आपका पुत्र है, तो आपको अलग आप दर्शन यानी एक अलग नजरिए से मुझे देख रहे हैं ना, तो नजरिए से आपको मेरी वो रहेगी कि भाई हाँ इनके पास में ऐसे ऐसे ज्ञान है और ऐसे ऐसे समाधान हम मिल सकते हैं। तो दर्शन यानी समझ के साथ, उनके दशा का समझ के साथ, ऐसा कहना चाहिए। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। ये ज्ञानी पुरुष को अगर दर्शन करो तो कोट टोपी वाले दिखेंगे, उससे तो कुछ पता ही नहीं चले कि ये कौन है, ये तो गृहस्थी लगेंगे। कुछ लोग तो बोलते हैं ये काका कौन है, हमारे सूरत कामरेज मंदिर में ना वो मंदिर है, तो भोजनशाला में एंट्री में एक बड़ा 6 फुट का 7-8 फुट का ऐसा बड़ा फोटो है उनका, तो कुछ लोग नए लोग होते हैं ना बोले वो ये काका कौन है, इनकी फोटो कौन है, ऐसे बोलते हैं। अभी उनको कहाँ मालूम नहीं जाता भगवान है, ये ज्ञानी पुरुष है, तो स्थूल नजर से तो ऐसा ही लगेगा है ना ऐसा, इसलिए वो अवस्था का पहचान दर्शन यानी समझ कि ये कौन है, ऐसा कहना चाहिए। जय सच्चिदानंद। विनीता जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। स्वामी मेरा एक प्रश्न है कि कांकारी हितहित का भान चला जाए वह मोक्ष कहलाता है, तो इसमें दादा भगवान क्या कहना चाहते हैं? मुझे जरा पहले 2-3 शब्द नहीं सुनाई, धीमे धीमे से बोलिए और जरा जरा नजदीक आके बोलना। कांकारी हितहित का भान चला जाए वह मोक्ष कहलाता है, इसका सांसारिक सांसारिक हितहित का भान, हाँ सांसारिक हितहित का भान चला जाता है उसको को ही मोक्ष कहते हैं। मोह कहलाता है। नहीं नहीं जरा ठीक से शांति से पढ़ो, स्लोली पढ़ो। सांसारिक हितहित का भान चला जाए वह मोह कहलाता है। मोह हाँ समझ गया, मोह कहलाता है वो तो मैं समझ गया, लेकिन सांसारिक हित का भान चला जाता है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें ऐसा है वो एक क्या बोलते हैं विशेष मोह है, मोह यानी जरा अधिक मोह जिसको बोलते हैं एक्स बहुत ज्यादा मोह, ये मैं इतना मूर्छित हो जाता हूँ मोह
कि मेरा इसमें हित है या अहित है, ये भी मेरे को समझ में नहीं आता है। एक बहुत स्थूल एग्जांपल देता हूँ, मानो किसी को मोबाइल की लत लग गई तो वो पिक्चर देखते जा रहा है या सीरियल, अभी आजकल तो वेब सीरियल बहुत आती है, वो देखते जा रहा है देखते जा रहा है देखते जा रहा है, तो उसको उसमें खुद का कितना नुकसान कर रहा है, अहित कर रहा है, नुकसान कर रहा है, वो भी उसको पता नहीं चला है। वो उसमें इतना डूब गया है, उसमें इतना रंगा हुआ है कि उसको खुद का नुकसान हो रहा है, अहित हो रहा है, इसका भी ख्याल नहीं आता है। उतना मोह, मोह यानी मूर्छित होना, मूर्छित जाना, एक थोड़ा उसको समझे तो जो दारू पीता है तो नशे में उसकी क्या हालत होती है, तो नशे में वो अपने भान भूल देता है ना, वो कौन है क्या है, कुछ भी बड़बड़ करेगा, कुछ भी करेगा। तो अगर हम संसार के या ऐसे कोई पांच इंद्रियों के किसी भी मोह में इतने मूर्छित हो जाते हैं, तो हम, हमारा हित इसमें है नहीं है, कितने लिमिट में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम सब भूल जाते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। सांसारिक हित और अहित दोनों का भान भूल जाता है तो उसको मोह कहते हैं, यानी पूरा मूर्छा हुआ है, पूरे चारों ओर से घेरा हुआ है, उसको पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहना चाहते। स्वामी जी मेरा एक और क्वेश्चन है, इस जगत में किसी को धोखा देने से अच्छा खुद धोखा खाना, जो धोखा देता है वह तो सामने वाले व्यक्ति को ही ड्यू डेट का चेक दे जाता है। हाँ बराबर है ना, हाँ, दूसरों को धोखा देना यानी क्या हो गया, अगर आपने किसी को धोखा दिया तो उसको दुख हुआ, बराबर है, या उसको नुकसान हुआ कोई भी प्रकार से, आपने धोखा दिया, आपने बोला कि मैं आपको इतने दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा, थोड़ा मुझे अभी दो, और आप उतने दिनों में लौटाते नहीं हो, तो आपने उसको धोखा दिया। तो किसी भी प्रकार से अगर आप किसी को भी धोखा देते हो तो उतना दुख उसको होने वाला है, और जब उसको उतना दुख होने वाला हो तो आपको वापिस उतना दुख आने वाला ही है। तो आपने ड्यू डेट का चेक दे दिया, यानी क्या, आपने जितना उसको दुख दिया है, धोखा दिया है, यानी दुख दिया है, तो उतना दुख धोखे के स्वरूप से या अन्य कोई भी स्वरूप से आपको वापस आने वाला है, यानी रिटर्न विद थैंक्स आने वाला है, यानी एक चेक दे दिया है कि भाई आपको ये वापस ये कर्जा चुकते करना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। टाइमिंग वाला चेक दे दिया आपको, कभी ना कभी इसका बदला यानी उसकी दुख, उतना दुख आपको आएगा, या तो अनेक स्वरूप जा सकता है, हो सकता है जैसा जैसा धोखा आपने दूसरे को किया है उसी प्रकार का धोखा कोई आपके साथ करेगा, हो सकता है वन ऑफ द वेज, या उतना प्रकार का दुख आपको आएगा बस। तो अपने आपने अपना ही अहित ड्यू डेट का चेक दे दिया, नहीं क्या, जब हम किसी को चेक देते उसका मतलब क्या होता है, हमको उतना पेमेंट उसको करना पड़ेगा, है ना। मैंने सपोजिंग किसी को 1 लाख का चेक दिया है तो 1 लाख रुपीज मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैंने उस आदमी को मैंने चेक दे दिया, इतना दुख मैं आपको मैं पेमेंट करूंगा, अभी मैंने इतना दुख आपको दिया है इतना दुख में भी पेमेंट, इसलिए ड्यू डेट का चेक आपने धोखा देने वाले को दे दिया, ऐसा कहना। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए ना तो हम किसी को दुख नहीं देते, किसी भी व्यवहार से हम किसी दूसरे व्यक्ति को दुख देते, लेकिन उसका परिणाम क्या आता है तो उतना दुख हमको ही आता है, तो हम दूसरों को दुख नहीं देते, हम स्वयं को दुख देते हैं। सुख भी हम किसी को देते हैं तो उसका रिटर्न हमको ही मिलने वाला है, यानी भले व्यवहार से हम बाहर दूसरों को सुख देते हैं लेकिन हम अपने आप को ही सुख दे रहे हैं, समझ में आया ना, इसे दूसरों को दुख नहीं देते, दूसरों को सुख नहीं देते, उतना हमको ही मिलने वाला है, तो दूसरों को सुख देने से हमको पहले सुख मिलता है या मिलेगा बाद में, दूसरों को दुख देने से हमको दुख मिलेगा, यानी जो भी हम दूसरों के साथ कर रहे हैं समझना ये हमारे साथ ही कर रहे हैं, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे सामने भी आत्मा ही है, ये हमारा ही प्रतिबिंब है, ये समझना और उस हिसाब से करना। कभी कभी मैं सत्संग में थोड़ा ऐसा भी बोलता हूँ, देखो आप अपनी बाणी बोलते हो तो सामने वाले को समझ में आता है, उस अगर अच्छी बाणी है तो उसको अच्छा लगेगा, थोड़ी कठोर या ऐसी बाणी है तो उसको दुख हो तो वाणी का पता चल जाएगा। इसी तरह से वर्तन है हमारा, व्यवहार है तो वर्तन के हिसाब से भी उसको पता चल जाएगा, अच्छा वर्तन होगा तो सुख मिलेगा नहीं तो दुख मिलेगा। तो मैं दूसरों को बोलता हूँ कभी कभी ऐसा मैं मजाक में
समझ लो सामने वाले के पास ऐसी मशीन है कि आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं वो पढ़ सकता है। पानी दिखाई देती है, बर्तन दिखाई देता है, वैसे अगर अगर विचार भी देखने की उसके पास क्षमता ऐसी कुछ मशीन है या काबिलियत है जिससे आपके अंदर के विचार देख सकता है, फिर आप कैसे विचार करोगे उसके लिए? बस तो ये हम दूसरों को नहीं अपने आप को ही वापस कर दे ऐसा कहना चाहता हूँ। मन वचन का ऐसे स्वामी जी, जैसे हम दूसरों को धोखा दिया तो हमको सेम टू सेम वापस वैसे ही आएगा या फिर कोई दूसरे तरीके से भी आ सकता है उतने दो? हाँ, दूसरे तरीके से भी आ सकता है, दूसरे तरीके से भी आ सकता है। हिसाब किताब किधर है कि आपके जो भी व्यवहार से धोखा देने वाला व्यवहार या सुख देने वाले, आपके जो भी व्यवहार से सामने वाले को जितना सुख या दुख होता है उतना रिटर्न सुख या दुख आपको नियमित मिल जाएगा। फिर उस व्यक्ति के निमित्त से भी हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के निमित्त से भी हो सकता है, दुख या सुख का स्वरूप बदल भी सकता है, स्वरूप बदल भी सकता है ना ऐसा। मैंने किसी की अगर सहायता की है, मदद की है, तो जरूरी नहीं कि वो ही मुझे सहायता करेगा। हाँ, लेकिन जितना मेरी सहायता से उसको लाभ हुआ है उतना लाभ मुझे कोई अवश्य देगा। दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, दूसरा निमित्त भी हो सकता है। आपने देखो आप करते तो हो ही, कभी मम्मी पापा की सेवा करो जैसे जैसे उनकी जरूरत है उस प्रकार से, तो आपको तुरंत ही लाभ होगा, आपको उतना इंस्टेंटेनियसली थोड़ा अंदर से आनंद आ जाएगा। अभी आपने थोड़ा सा उनको काम किया है तो एक 5-10 मिनट का आनंद आएगा, और जरा ज्यादा कुछ काम किया है तो 1 घंटे तक आनंद टिकेगा, ऐसा ही टिकेगा, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, अंदर से आनंद आएगा। तो और ये कुदरत का नियम है, समझ में। तो धोखा है तो किसी भी स्वरूप से, किसी भी निमित्त से आ सकता है, वही स्वरूप से है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है आरा जी, मेरा भी प्रश्न है, बोलिए विनीत जी। जैसे मेरे को दूसरों को बताने का भी रहता है, जैसे बहुत ज्यादा दादा का ज्ञान जैसे, तो वो मतलब ऐसा है कि मेरे को ज्ञान डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या दादा के जगत कल्याण की भावना उसमें काम करती है? जगत कल्याण की भावना हो सकती है, यानी दूसरों को बोलना, यानी क्या दादा की बातें बहुत ज्यादा कहने की इच्छा होती है? नहीं, ऐसा नहीं कि भी सबको बताऊं मैं ताकि सब जने ज्ञान में आगे बढ़े, मुझे खींचते परमाणु जैसे उनके कि नहीं मैं उनको बताऊं ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो शुरुआत में सभी को होता है, शुरुआत के स्टेज में हमें जो आनंद इतना आता है ना, हमारे अंदर आनंद इतना उभरता है, हमारे अंदर आनंद इतना उभरता है कि हमको लगे कि ये लोग भी प्राप्त करें, क्योंकि हमको उनके प्रति थोड़ा हमारे राग रहता है या हमारे सगे संबंधी है या वो भी है इसके लिए, तो ये एक स्वाभाविक होना बराबर है। तो उसमें इतना जागृति थोड़ी रखने की कि हमारा जितना अनुभव है, अनुभव प्रमाण यानी जितना हमें लाभ हुआ है उतना अनुभव प्रमाण से हम बात कर सकते हैं और 2-3 बार बात कर सकते हैं, आग्रह नहीं रखने का, बस आग्रह नहीं रहता स्वामी, बस जैसे इच्छा रहती कि सबका कल्याण हो और ऐसे। हाँ तो ठीक है, अगर वो वितराग भाव से ऐसी भावना है तो कोई बात नहीं कि भाई ये लोग भी इसको प्राप्त करे, ये तो रहना स्वाभाविक है, वो रहना स्वाभाविक है, इसका भी कल्याण हो, इसका भी ये लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठाएं और अपने जीवन में सुख शांति आए, ऐसा रहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब है ना पिछले अवतार का सब अनुसंधान बोल रहा है, ऐसा हम लेके आए हैं, तो करो उसका वांधा नहीं, सजा सा जितना होता है उसका कोई वांधा नहीं। जैसे दिन में 1-2 बार रहते ही एक किसी से बात करूं और उसको बताऊं। देखो उसमें इतना संभालने का है, देखो दो चीज संभालने के, सामने वाले को बोझा नहीं लगना चाहिए कि आपका तो अच्छा होगा, लेकिन 1-2 महात्मा का मुझे मालूम है वो जहाँ पे भी जाएंगे ना, कहीं सोशल फंक्शन में, कहीं पार्टी में, वो चालू हो जाएंगे दादा की बात को लेके, दादा रे भगवान ऐसा कहता है दर्शक, तो सब लोग फिर कंटाल जाते उससे, अभी ये आ गए, अभी ये अपने दादा भगवान की बात चालू कर देंगे,
तो उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए कि अभी विनीता बेन आ गई, अभी चलो वो देखो, जब देखो तब वो दादा भगवान की बातें करती रहती है, उसको कुछ दूसरा सोचता ही नहीं। वैसे अपने उनको अपनी एलर्जी नहीं हो जानी चाहिए। हाँ, नॉर्मल व्यवहार में रह के सजा सज बात करने का, और क्या है कि नॉर्मल व्यवहार करो, नॉर्मल व्यवहार की बात करो, यानी तुम कैसे हो, मैं कैसे हूँ, ऐसा ऐसा सब। और उसमें आपकी वाणी में इतना आनंद उभरेगा ना, क्योंकि आप अंदर से बहुत खुश हो, तो वो जो आनंद आपकी वाणी में निकलेगा ना, वो खुद ही उनको स्पर्श करेगा। और हाँ, और आप बोल सकते, देखो ऐसा ऐसा मुझे फायदा हो गया, हमारे घर में इतना अच्छा हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली वो उनके हृदय को स्पर्श करेगा, और आपकी जो भावना है कि ये प्राप्त करे तो हो जाएगा। क्योंकि बातें है कुछ लेवल तक बुद्धि को अपील करेगी, और कुछ लेवल तक हृदय को अपील करेगी, सामने वाले को हृदय को स्पर्श करेगी, या तो उसको बुद्धि को स्पर्श करेगी। हाँ, विनीत का है ना, तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं रहती थी, अभी उसकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई, चलो मैं भी कुछ करूँ, मेरी भी तबीयत अच्छी हो जाए, तो ये बुद्धि वाला भाग हो गया। लेकिन जहाँ पे वितरागता आती है, वेर जेर है, या किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति टीका निंदा हो रही है, वो वाला भाग जैसे जैसे कम हो जाएगा तो उनके हृदय को स्पर्श करेगा। अरे यार, कुछ है इसमें तो बदलाव आ गया, इसका अहंकार कम हो गया, इसकी वाणी में फर्क आ गया, तो हृदय को स्पर्श करेगा। और जितना हृदय को स्पर्श करने वाली बात होगी ना, उतना सामने में परिवर्तन आ जाएगा, जरा लॉन्ग टर्म परिवर्तन, एवर लास्टिंग परिवर्तन आ जाएगा। समझ में आया? तो ये भावना, और कभी क्या है कि बात करने की, ऐसा नहीं है, और अगर लगता है कि ये जरा बात ठीक से नहीं पहुंच रही है, या अभी उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फॉर सम रीजन, तो भावना करो, मन में भावना करो कि दाहे दादा इनका भी कल्याण हो, ये भी सक्रम विज्ञान का लाभ उठाए और उसके जीवन में सुख शांति हो। ये जो भावना है ना, ये भावना बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम, बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगी भावना। क्योंकि दादा भगवान की यही तो भावना थी, उनकी तो कितने अवतार से भावना थी कि सारे जगत का कल्याण हो, और एक सरल मार्ग होना चाहिए बिना संसार त्याग किए हुए। इनकी इतनी तीव्र भावना थी, तो आज वो ज्ञानी के स्वरूप में आए, फिर ये आप्तपुत्र आए, कविराज आए, सब लोग आए, तो ये उनकी और सारे देव देवता के लश्कर के साथ आए, अकेले नहीं आए। और तो और उन्होंने ऐसा जादू किया कि सारे महात्माओं के अंदर ये बीज डाल दिए कि उनको भी जगत कल्याण के निमित्त बनने की इच्छा हो। नौमी कलम में भी डाल दिया है जगत कल्याण करने का निमित्त बनने की शक्ति दे, तो ऐसा सब में तो बीज ही डाल दिया है। तो खाली वो अकेले की उनकी भावना नहीं रही, अब इतने हजारों महात्माओं की भावना हो गई कि हम भी निमित्त बने, है ना। तो बस ये निमित्त की भावना जो है ना, वो भावना ही आपको निमित्त बनाएगी। समय संजोग के अनुसार हर एक की एक प्रकृति है, उसकी एक खासियत है, एबिलिटीज है। तो आपके शक्ति और एबिलिटीज के अनुसार आपको कुदरत निमित्त बनाएगी। उस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के कार्य में कुदरत उपयोग कराएगी। तो एक तो आपकी भावना कल्याण का निमित्त, और दूसरा उनका कल्याण हो, सामने वाले का कल्याण हो। तो ये केवल भावना भी रहेगी ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वाणी से जितना जब व्यक्त हो नैमित्तिक भाव से, वो करना, बात करना, लेकिन जो भी आपका सर्कल है, फैमिली है, या दूसरे रिलेटिव्स है, तो उनको याद करके आपका केवल एक 5-10 मिनट रोज भावना भी करोगे ना, तो उनको भी तो अच्छा लगेगा, और आगे जाके ऐसे संजोग ही निर्माण हो जाएंगे, ऐसे संजोग निर्माण होंगे जहाँ पे दादा की बात सुनने के लिए वो कुतुल है, वो आतुर है, और आपके मुंह से सुनेंगे, वो संजोग निर्माण हो। अभी आज परोस रहे वो आगे जाके कैसा होगा, भूख उनको लगेगी, वो मांगे कि भाई दादा की बातें बताओ कुछ। अभी पुश हो रहा है, वो पुल होगा बाद में, वो संजोग ऐसे निर्माण होंगे। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, हाँ, ऐसे कभी मैं थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है कि केवल भावना करते हैं ना तो तुरंत नहीं आते, आगे जाके होता है। तो आगे जाके ऐसे संजोग के निर्माण होते हैं जहाँ पे हमारी वो भावना रूपक में आ जाती है कि उसको हम दादा की बात अच्छी तरह से परोस सकते हैं, कि स्वीकृति ना स्वीकृति वो आगे की बात। क्योंकि देखो, सामने वाले का वो पुण्य भी होना चाहिए ना,
हम तो सोना चांदी देने को तैयार है, लेकिन उसको इसकी कीमत लगी जाए ना। हाँ, तो उसका जब निमित्त सॉरी उसका जब पुण्य पकेगा तब जाके वो स्वीकृति वाली भाग आ जाएगी। और वो ग्रहण है। और मैंने दूसरा भी देखा है कि शुरुआत में हम बोलते हैं ना तो उसको इतना कुछ अपील नहीं करता है, लेकिन कुछ सालों के बाद उसको अपील करता है, अरे यार वो क्या बात थी, चलो वापिस। मेरे मेरे कुछ रिश्तेदारों में देखा है, तभी तो कुछ सुनता ही नहीं था, अभी उनको सुनने की इच्छा हो रही है। सो इट हैपेंस, ऐसा होता है। भावना इज द मेन थिंग, और नैमित्तिक भाव से सहज सहज जितना हो उतना करो, सहज रहो, बस मैं इतना कहूंगा। और सहज का मापदंड यह है कि हमको हमको थोड़ी वो परेशान नहीं होनी चाहिए और सामने वाले को एलर्जी नहीं होनी चाहिए। सही बात। तो हाँ, नेत्र कभी कभी क्या होता है, हम तो उत्साह में आके परोसते जा रहे परोसते जा रहे परोसते जा रहे, उसको एलर्जी हो जाएगी, बोलेगा अभी ये दादा भगवान की शुरू करेगा, क्या दादा भगवान ने ये परेशान कर दिया। तो जाने अनजाने में शायद वो विराधना ना कर पड़े। सही बात। ज्ञानी की विराधना भले अल्प स्वरूप में इतनी जोरदार मीन्स तीव्र प्रकार से वो विराधना नहीं करेगा, लेकिन अल्प स्वरूप में भी अगर थोड़े उसकी भाव बिगड़ गए ना तो उसको फिर आगे दादा का ज्ञान प्राप्त करने में वो अंतराय जैसा काम करेगा, है ना। तो बैलेंस करके रखो, हृदय की भावना इंपॉर्टेंट है। देखो तो दादा भगवान देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों का पुरुषार्थ भी तो अच्छा है ही, और आपकी भावना रहेगी ना तो कुदरत करेगी संजय बाकी सब। और सजा सा जितना होता है नैमित्तिक करो, नो प्रॉब्लम। अमित जी, आप कैसे रह गए, आपको भी पूछना पड़ेगा कुछ तो। सब महात्मा पूछते तो मेरा तो बहुत अच्छा समाधान हो जाता है। नहीं, लेकिन वो उनका समाधान होता है। ठीक है, अगर है तो कुछ। हाँ, फाइन। जय सच्चिदानंद। मैं थोड़ा उसमें जरा ऐड करूंगा दीपक जी। बोलिए बोलिए। आप संडे को तो मिलते ही हो, शायद सैटरडे को भी ऐसे आते होंगे, लेकिन ये जरा एक्सक्लूसिव सेशन हो जाता है तो है ना। आपको एक क्वेश्चन पूछने का ही है, ऐसे एक होमवर्क रखो आप, तो उसे क्या होता मालूम है, कंपलसरी आपको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ होगा तो प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा तो पूछेंगे ना। अभी मेरे को नेक्स्ट संडे पूछने का, ऐसा बाल ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो ये उस बहाने थोड़ा पुरुषार्थ को जरा वो फोर्स मिलेगा, बल मिलेगा ऐसा। बाकी है तो अच्छा है, आपका घर में समाधान हो गया है, बहुत कुशल मंगल है, सब अच्छा चल रहा है, दैट इज वेरी गुड। ये थोड़ा ये ऐसा है ना, देखो मैं आपको बोलू, जस्ट बात निकली है तो 2 मिनट कि सामान्य तौर पे मुश्किली जब आती है ना तो ज्ञानी या दादा करते हैं, अभी क्या करूं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दादा का सहारा, दादा के ज्ञान का उपयोग करते हैं। मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम नहीं है ना तो आप दादा का इतना अच्छा उपयोग करो कि आप स्ट्रेस फ्री दादा भगवान को सोच रहे, समझ रहे, पढ़ाई कर रहे या जो भी कर रहे हैं। तो अच्छे समय में जितना दादा का आप पकड़ पाओगे या समझ पाओगे या पुरुषार्थ कर पाओगे ना, तो वो आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। जैसे बोलते हैं ना, अभी सब अच्छा है तो एकदम प्रिपेयर रहने का, अच्छा नहीं होगा तो ज्ञान फटाफट हाजिर हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही। जब धंधे में हम पैसा बचा के रखते हैं ना कि धंधा डाउन होगा तो ये सेविंग्स काम में आएगा, तो ये ज्ञान का इतना सेविंग्स कर दो ना कि कुछ तकलीफ हो तो सेविंग्स तैयार रहे, ज्ञान तैयार, समझ तैयार रहे। तो अच्छे समय का पुण्य, अभी पुण्य का योग है तो अच्छे समय का अधिक उपयोग करो, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मुश्किली होती क्या है कि पुण्य में ज्ञानी जल्दी जल्दी याद आते नहीं कि हमारी प्रकृति की निराकुलता के आराम से आदि है, तो आराम है तो अभी लफड़ा क्यों करने का, अभी लफड़ा नहीं, उसको आराम मेरे को बढ़ाने का है। मेरा बाहर का सुख तो है, मेरे को अंदर का सुख भी बढ़ाने का है, ऐसा कुछ एक मानसिक आयोजन। तो डबल फायदा होगा, रिलेटिव का पुण्य का योग तो है और रियल का भी योग बन जाएगा ना। इमरजेंसी में दादा करने से तो अभी से दादा करो तो इमरजेंसी आवे ही नहीं, मैं तो कहूँ। सही बात है सर, मुश्किल आवे ही नहीं। सही बात। हाँ, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप दली। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है, चरण विधि में ये लिखा है, सर्वे कल्याण मूर्ति समकितारी महात्माओं ना शुद्धात्मा ने अध्ययन भक्ति थी अभेद भावे बारम्बार त्रिका नमस्कार नमस्कार।
ये भक्ति थोड़ा समझाइए कि भक्ति क्या क्या होती है और इसमें क्या अर्थ है थोड़ा सा। सर्वे कल्याण मूर्ति संकीर्तधारी महात्माओं ने शुद्धात्मा ने त्रिकाल नमस्कार करीने पची उसके बाद में आगे है कि मैं क्या मांगता हूँ, सारे जो महात्मा है संकीर्तधारी महात्मा उनके शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ और फिर मैं मांगता हूँ कि उनके जो सद्गुण है वो मेरे में प्राप्त हो, उनके प्राकृतिक जो सद्गुण है और ये ज्ञान के भी सद्गुण है वो मेरे में उत्कृष्ट पणे सुरायमान भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और हमारे लिए बहुत ही हेल्पिंग है मोक्ष मार्ग में, इनफैक्ट किसी के लिए भी हेल्पिंग है। हम किसी भी व्यक्ति के सद्गुण को देख के अगर हम उन सद्गुणों की मांगनी करते हैं उस व्यक्ति को चेहरा याद करके तो हमारे में वो उत्पन्न हो जाएगा। ये एक बड़ा साइंस है, ये बहुत बड़ा साइंस है, ये इसलिए इसमें रखा हुआ है कि संकीर्तधारी महात्मा है, यानी क्या है मोक्ष जाने के हेतु वाले वन गोल एक गोल वाले लोग हैं और उनमें ये गुण है। कोई कोई सिंसियरली विधि करता है, कोई सिंसियरली पढ़ाई करता है, कोई भक्ति करता है, कोई आत्मा पक्ष में है, नो अनेक प्रकार से सद्गुण कोई ना कोई होता है। तो अगर हम वो सद्गुण हम मांगते हैं और हमारे में शायद अगर वो कमी है तो हमारे में वो प्रकट हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और एक बहुत बड़ा एक पुरुषार्थ का इसमें अंगुली निर्देश हो रहा है कि हम कभी भी फ्री टाइम में बैठे हैं और हम एक दो महात्मा या जितने भी महात्मा को इच्छा जिसके हमारे नजर में आए हैं और हमको लगता है कि ये गुण बहुत अच्छा है। सम पीपल आर वेरी स्टेडी, सम पीपल आर वेरी कूल, सम पीपल आर यू नो पोलाइट, व्हाटएवर व्हाटएवर, तो ये गुण मेरे में आए अगर हम उनका चेहरा देख के हम 5 मिनट ऐसा मानते हैं तो रोज करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गुण आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। ये साइंस है, ये बहुत बड़ा साइंस है, ये निधि ध्यासन के नजीक वाली चीज है। ये उनका ये गुण की निधि ध्यासन हो गई, एक स्थूल शरीर का होता है एक गुण का निधि ध्यासन, तो ये मांगने से हमारे में आता है, दिस इज अ साइंस। इसलिए ये एक क्या है एक एक थोड़ा मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ में वन ऑफ द वेरी हेल्पिंग फैक्टर्स। हमारा पुरुषार्थ स्पीडी, हमारा प्रोग्रेस रादर, हमारा प्रोग्रेस स्पीडी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इसके पीछे कहने ये इस वाक्य के पीछे इसका मर्म इतना है जी। और जगह भी लिखा नहीं इसमें तो मेरे को समझ में आता है, लेकिन मैं जनरल पूछना चाह रहा था कि भक्ति क्या होती है, क्योंकि कई जगह भक्ति बताया गया चरण विधि में, तो भक्ति का क्या, भक्ति करना क्या अर्थ क्या होता है, मतलब ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। नहीं भक्ति का देखो, भक्ति का तो जनरल डेफिनेशन दादा भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, ज्ञान और भक्ति दो शब्द आते हैं। तो भक्ति यानी टू अप्रोच नियरर एंड नियरर, भक्ति का बेसिक डेफिनेशन इंग्लिश में दादा भगवान के शब्दों में टू अप्रोच नियरर एंड नियरर। अभी नियर किसके है, तो अपने गोल के, अपना गोल क्या है कि भाई हमको मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाने के लिए जो भी हम करते हैं, यानी अभी फॉर एग्जाम्पल महात्मा है तो 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करते हैं, तो मोक्ष जाने के लिए जो पुरुषार्थ हो रहा है उसको भक्ति कहते हैं, क्योंकि आप उस करने वो क्रिया करने से या वो पुरुषार्थ करने से आप नजीक जा रहे हैं आपके ध्येय के नजीक, जो गोल है वो गोल के नजीक, इसके गोल के करीब जा रहे हैं, इसलिए उसको भक्ति का है। और उसको बहुत स्थूल एग्जांपल दादा भगवान क्या बोलते थे, मानो आप घर पे है और आप घर से आपको स्टेशन पे जाना है, तो घर से स्टेशन जाने का रास्ता मिलना, हाँ कोई बताएगा भाई ऐसा ये रोड पे स्ट्रेट जाओ फिर राइट लेके फिर आगे लेफ्ट लेना, तो ये जो रास्ता दिखाता है उसको ज्ञान बोलते हैं, स्टेशन तक पहुंचने का उसको ज्ञान बोलते हैं। और फिर मैं उस रास्ते पे चलूं तो वो जो चलने वाला भाग है उसको भक्ति कहते हैं, कि वो क्रिया से मैं स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा, मेरा जो गोल है, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो लक्ष्य है, मैं पहुंचूंगा। तो लक्ष्य तक पहुंचने वाली जो क्रिया है उसको भक्ति कहा है, लक्ष्य पोषक का जो ज्ञान है उसको ज्ञान किया। तो भक्ति रियली स्पीकिंग मींस दैट टू अप्रोच नियर एंड नियर टू योर गोल। नहीं अच्छा एग्जांपल है। एक और चीज पूछ सकता हूँ उसी में चरण विधि में? बोलिए बोलिए। हाँ ये आगे आता है चरणाविंद जो है, अपना चरणाविंद मारा हृदय मां स्थान पामो, तो चरणाविंद का थोड़ा अर्थ थोड़ा अच्छे। मेरी थोड़ी समझ ऐसी है कि ये एक हृदय की
एक अत्यंत विनम्र विनय का सूचन है इसमें कि मेरा हृदय चरणामृत यानी आपके जो चरण है मेरे हृदय में स्थापित हो, मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में आपके चरण स्थापित हो, यानी बस मैं एकदम लघु भाव हूँ, अत्यंत विनय करता हूँ और आपके जो चरण है मैं सदा के लिए मेरे हृदय में स्थापित करता हूँ, यानी मैं आपको हृदय से झुकता हूँ, हृदय से वंदन करता हूँ या नमस्कार करता हूँ, ऐसा थोड़ा अर्थ मेरी समझ में आया चरणा में, आपके चरण मेरे हृदय में रहो ऐसा। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब तो पूर्णानंद जी किसी ने पूछने की बात नहीं कही है। थोड़ा और कौन बड़े, हाँ आगे आगे एक मिनट, अशोक भाई, अशोक जी नहीं 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 ये तो अपने अशोक जी है, वो जेपी कहाँ गए, जयपुर वाले। ओके पुलिना जी गो अहेड। बस तो देखो पुरुषार्थ के अलग अलग स्वरूप में मुझे एक चीज में पहले कि जो हमारा मन है ना, वो मन हमें बहुत बार गाइड करता है, ऐसा करो ऐसा मत करो, या तो हमें पुरुषार्थ के पक्ष में लेके जाता है या पुरुषार्थ के दूर रख देता है। विधि करने का सुबह उठने का टाइम होता है, मन बोलते जाने दो ना, भी आज नहीं करते बाद में करते, तो ऐसा हो जाता है। तो वहां पे एक भगवान ने बताया हुआ है कि मन का अगर हमारे ध्येय के विरुद्ध है तो उसका नहीं सुनना चाहिए। और एक और थोड़ा आगे जाके ऐसा भी बताते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, गुजराती में जिसको बोलते है मने आ गमतू नथी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। दादा बोले ये शब्द होना ही नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं या मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बोलने वाला है कौन? ये बोलने वाला हमारा मन है। और बोले मन के हिसाब से चलने का ये तो कितनी बुरी बात है, तो भयंकर लाचारी वाली बात है। आज का जो मन जिसमें से हमारे विचार फूट रहे अच्छे या बुरे, तो ये जो मन है उसका निर्माण तो पिछले अवतार में हो गया है, उसके हाँ उसका उसके उसका निर्माण तो पिछले अवतार में हो गया है। और कैसे हो गया, तो हमने जो अभिप्राय दिए ओपिनियन और भाषा में व्यक्त किया, ओपिनियन फादर है भाषा मदर है, तो एक बीज पड़ गया है जिसके परिणाम स्वरूप से इस अवतार में विचार के स्वरूप में विचार आते हैं। तो बीज पिछले अवतार के ज्ञान के हिसाब से है, तभी तो हमको संसार में रहना खा पी के मजा करने का था, और इस जन्म में हमको मिला है मोक्ष जाने का ज्ञान। वो समय के जो अभिप्राय है आज विचार के स्वरूप में फूटेंगे और उसका हम स्वीकार करेंगे तो हम हमारे जो ध्येय है उस ध्येय से हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए हमें हमारे ध्येय से वंचित करने वाले मन की बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जो ध्येय को सपोर्ट करता है उसको अनुमोदन करता है तो उसका हमें स्वीकृति करनी चाहिए। तो ऐसा मन के लिए थोड़ा एक पुरुषार्थ है कि मुझे पसंद नहीं या मने गमतू नथी, ये डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा आया ना तो मन को बोल देने का, हाँ भाई तेरे को पसंद नहीं है लेकिन मैं तो ये करने वाला हूँ क्योंकि आज मेरा ये निश्चय है, बस इतना ही थोड़ा सा एक पुरुषार्थ करना है। उसके बात को मन के विचार को स्वीकार न करते हमारे ध्येय पे डगे मीन्स डटे रहना, वो सिंसियरिटी जिसको बोलते है, बस ये सिंसियरिटी का गुण हमें पुरुषार्थ में बहुत ही हेल्प करेगा। और इसमें उसमें से दूर ले जाने वाली बात एक मन है जिसमें विचार के स्वरूप से आता है, बुद्धि भी कभी कभी काम करती है, गलत नफा नुकसान बताती है, चित हमारा इधर उधर भटक जाता है, लेकिन वो फिर कभी, अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अमी बेन। जय सच्चिदानंद पुरी नानन जी। जय सच्चिदानंद दीपक नारायण जी। जय सच्चिदानंद पूर्णानंद जी। सेंसिटिविटी थोड़ा समझाइए ना, भगवान की भाषा में सेंसिटिविटी किसे कहा गया है? सेंसिटिविटी यानी असर हो जाना, कोई भी छोटी छोटी चीज हमको अगर असर हो जाती है, यानी स्थूल बाहर का किसी का व्यवहार, किसी की वाणी,
या बाहर के कोई संजोग अगर तुरंत जितनी असर करती है वो सेंसिटिविटी में जाएगा, तुरंत असर करना उसको सेंसिटिविटी बोला जाता है। और थोड़ा अंतस्करण के लेवल पे अगर देखना है तो जो बुद्धि वाला भाग है, जो हमारी विपरीत बुद्धि है, वो हमको सेंसिटिव करती है। हाँ, विपरीत बुद्धि, वो भी एक्सेस बुद्धि। दादाजी क्या बोलते हैं कि सामान्य थोड़ी बुद्धि व्यवहार चलाने के लिए जो हमको जरूरी है ना, वो शरीर के अंदर इनबिल्ट है, वो आई हुई है, इंटीग्रेटेड है, साथ में आई हुई है। तो यानी कि अभी अभी खाना है तो ये दाल थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा है, ये पानी नहाने के लिए ठीक है नहीं है, ये थोड़ा सामान्य जो बुद्धि की जरूरत है व्यवहार चलाने के लिए वो तो नॉर्मल है और एक्सेप्टेबल है और आई हुई है, प्रकृति लेके आई है। लेकिन उससे ज्यादा जो एक्स्ट्रा बुद्धि है, तो जितनी एक्सेस बुद्धि है ना, वो सेंसिटिव करते ही जाएगी। क्योंकि बुद्धि का बेसिक फंक्शन क्या है, बुद्धि का बेसिक फंक्शन प्रॉफिट एंड लॉस, नफा और नुकसान दिखाना। कोई भी चीज में इमीडिएटली इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है, इसमें ये फायदा होगा नुकसान होगा। अब बाहर जाओगे, चलो मैं ये रास्ते से नहीं, मैं वो रास्ते जाऊंगा, इसमें फायदा होगा। यहाँ से जाते यहाँ पे बहुत धूप है, यहाँ पे धूप नहीं है, बस में बैठोगे, ट्रेन में बैठोगे, बारी है, धूप है, इमीडिएट फट 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 प्रॉफिट एंड लॉस पड़ जाएगी। और तो फर्स्ट थिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और थोड़ा उसका एक्सटेंशन ले तो ये अच्छा है ये बुरा है, गुड एंड बैड बताएगी, ये मुझे अच्छा पसंद है ये पसंद नहीं, गमो अनगमो बताएगी, ये राइट है ये रॉन्ग है ऐसा बताएगी। तो ये सब एक्स्ट्रा बुद्धि, अगर जितनी एक्स्ट्रा बुद्धि है ना उतना, अरे ये गलत कर रहा है, ये आदमी को समझता नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अभी जिसको ज्यादा बुद्धि है तो उसको ज्यादा असर होगी, तो ज्यादा सेंसिटिव है, करेगा गलती कोई और परेशान हम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि हमको सेंसिटिव कर रही है, क्योंकि हमको उसमें नफा नुकसान या राइट रॉन्ग दिखाई दे रहा है, सही गलत दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अभी बच्चे है, फॉर एग्जाम्पल दादा एग्जाम्पल दे दें कि अगर वो हमारे ग्लास के कप एंड सॉसर्स है ना, कप रखा भी है, अगर वो गिर जाते हैं बच्चे को वो इतना असर नहीं होगा, क्योंकि उसको इतना नुकसान नहीं होता है, माँ बाप को परेशान परेशान हो जाएंगे, उसको ज्यादा नुकसान देता है। तो इसी तरह से सेंसिटिविटी, एक्स्ट्रा जो बुद्धि है, जितनी बुद्धि एक्सेस उतनी सेंसिटिविटी। कुछ लोग नहीं देखते, हम वो जाड़ी खाल के होते हैं, कुछ हो गया तो हो गया, देखा जाएगा यार क्या, कुछ पड़ी नहीं उनको। और जिसको बुद्धि है तो अरे यार इतना नुकसान हो गया, ये आदमी कैसे सोया है, उसको पता नहीं चल रहा है, ये होगा वो होगा, ऐसे तो ज्यादा बुद्धि है तो सेंसिटिविटी उससे आती है। इसलिए ज्ञान के हिसाब से खाली एक तो उसको पहचानना कि ये विपरीत बुद्धि जरा ज्यादा है, इसलिए मुझे ज्यादा सेंसिटिव कर रही है, उसको तो काला कपड़ा बांध देने का, तो इसका तेरा नहीं सुनने वाली हूँ, तेने बताया ठीक है लेकिन मैं स्वीकार नहीं करने वाली, ये उसका उपाय है बुद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए, उपाय ये है। और अगर हम उसका प्रभाव कम होगा तो सेंसिटिविटी वाला भाग है वो कम होगा, कम हो जाएगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेशम जी अलवर, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, ये मैंने सत्संग में सुना था कि दादाजी की, दादाजी को सुनाई कम देता था ना, तो ये बोलते कि ये संसार की बातें नहीं सुनना चाहते, इसलिए उनको कम सुनाई देता। हाँ। तो ऐसा मेरे को भी रहता है, तो फिर नहीं, तो आपको डर लग गया कि दादाजी को कम सुनने का हो गया तो आपका भी कम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दादाजी तो क्या बोलते हैं, ये जो कम सुनाई दे रहा है उसका फायदा क्या है कि व्यर्थ की संसार की बातें मैं उसमें मुझे सुनाई नहीं देगी, तो उतना संसार का बोझा मुझे कम स्पर्श करेगा, संसार की बातें कम स्पर्श करेगी कि सुनाई नहीं दे रही है। ये तो थोड़ा एक हल्का फुल्का जानने के लिए। वैसे उनको जो कम सुनाई देने वाला जो बात थी, उनके लफ्जों में उन्होंने क्या कहा कि पहले हमको कोई सही सलाह देता था तो हम उसको अस्वीकार करते थे और एक प्रकार से तिरस्कार भी करते थे, उसको छीट छीट करते थे, हम सुनते नहीं थे, हम लोगों की सुनते नहीं थे, हमारे
हित में सही भी अगर कोई बोलते तो भी हम उसको सुनते नहीं थे, चिट चिट करते। इसीलिए आज हमें ये कान की कम सुनाई देने की एक नौबत आई है, ये कर्मा है। दूसरों को सुनने का वो चिट चिट किया ना, इसलिए आज कान में बेरास आ गई, वो सुनने का कम हो गया। तो रूट कॉज ये था, लोगों ने बताया दादाजी आप ये मशीन रखे तो सत्संग के लिए सुविधा रहेगी, तो बोले नहीं अगर मैं मशीन रखूंगा तो ये मेरा जो कर्म है वो खिपे वो खपने जाएगा, इसलिए वो पूरा करने दो मुझे। तो दादाजी की जो बैराज थी वो ऐसा ही उस वजह से नहीं है, अगर हमें संसार की बातें कम अच्छी लगती है, ज्ञान की वजह से अगर हमें कम अच्छी लगती है, क्योंकि आज हमें आत्मा प्राप्ति है, मोक्ष जाने की इच्छा है, संसार की बातें राग द्वेष वाली है, टीका टिप्पण वाली बातें है जो हमें मोक्ष में बाधक है और संसार में रखड़ाने वाली बात है, तो उसमें हम बराबर है, उसमें कोई वांधा नहीं है कि मुझे संसार की बात कम अच्छी लगती है तो उससे बैराज नहीं आएगी, वो तो अच्छा ही है। लेकिन उस एक बाजू नहीं सुनना तो हमको हमारा चित्त है कहीं पे तो उसको डालना पड़ेगा ना, तो दादा में अगर हम ढाल देते हैं दादा के विचार, दादा की बात, दादा की भक्ति या जो भी अन्य प्रकार से, तो जितना हमारा अंतस्करण दादा में रहेगा तो संसार का प्रभाव भी हमें कम पड़ेगा, हमें रुचि भी कम हो जाएगी और आत्मा या मोक्ष की ओर की रुचि बढ़ जाएगी, तो उसमें नुकसान नहीं होगा, किंचित मात्र नुकसान नहीं होगा, उस पर घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन सही जो सुनता नहीं है दूसरों की सही भी सलाह तो उनको फिर ये तकलीफ आती है, आपको तकलीफ ऐसे उस वजह से नहीं आएगी। एक प्रॉब्लम और है स्वामी जी, मेरे को रात को नींद नहीं आती, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि वो खड़ी हो जा और दादाजी की कुछ विधि कर या पद कर, कुछ लग जाए काम में, सोए मत। हाँ, वो तो सही बात है, हम सभी को ऐसे संजोग आते ही है कि रात को जल्दी नींद खुल जाती है या नींद नहीं आती है, तो हमें समझना चाहिए कि हमको ये बोनस टाइम मिला है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है, दिन में जो टाइम नहीं मिलता तो रात में भी कोई व्यवहार तो है ही नहीं, तो हमें वो समय हमारे आत्मा पक्ष में उसका सदुपयोग करना चाहिए। यानी हमें फिर जो भी है ना, रात को सोते हुए लेटे हुए या बैठ सकते तो बैठ, जब जो भी संजोग है उस हिसाब से बस कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम नौ कलमा बोल सकते हैं, मंत्र है या फिर कीर्तन भक्ति है, या अगर कविराज का कोई पद पसंद है तो वो। इन प्रिंसिपल वास्तव में सैद्धांतिक रूप से क्या करना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से हमारा मन और हमारा चित ऐसे खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, या कुछ ना कुछ विचार करते जाएगा, अनाप शनाप विचार करेगा, थक जाएगा, परेशान होगा, हमें कुछ ना कुछ चित्त को रोकने के लिए, मन को रोकने के लिए उसको एक स्थान दे देना चाहिए। हम नौ कलम वगैरह बोलते हैं तो हमारा चित्त भी वहां रहेगा, हमारा मन भी वहां रहेगा, हम अगर कुछ कीर्तन भक्ति करते हैं जो भी है, जितना जितना हमारा उस समय में चित्त एकाग्र रहेगा किसी भी इन चीजों में, तो उससे दो चीज होगी, एक तो है ना हमको थकान नहीं महसूस नहीं होगी, और थकान महसूस नहीं होगी तो उसका परिणाम क्या आएगा कि सुबह जब हम उठते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कल रात को नींद ही नहीं आई, मैं थक गई हूँ, ऐसा नहीं होगा, वो फ्रेशनेस की फ्रेशनेस बनी रहेगी। जितना जितना हमारा चित्त एक जगह पे एकाग्र रहेगा और मन खुला नहीं छोड़ा है विचारों के लिए, मन भी इसमें जुड़ा ही रहता है, हम जो भी करेंगे विधि या कुछ भी करेंगे तो उसमें हमें थकान नहीं होगी, हमें फ्रेशनेस भी रहेगा और आत्मा का पक्ष में हमारा सब समय गया है तो वो तो बोनस ही है, शुद्ध आत्मा के खाते में रकम जमा हो जाएगी, है ना। तो इसका तो उल्टा लाभ उठाना चाहिए, नींद नहीं आती है तो परेशान होने की वजह से नींद ही नहीं आती है, चार घंटे नींद आती है, नींद खुल गई तो मुझे फ्रेश नहीं लगता है, कमजोरी होगी, ऐसा विचार बिल्कुल करना नहीं चाहिए, नहीं ऐसे नहीं आते स्वामी जी, मेरे को ऐसा लगता है कि पद सुनो को दादाजी काम में लग जाऊं, ऐसा लगता है मेरे को। हाँ तो अच्छा है ना, पद में लग जाने का अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रात को नींद आती है तो उल्टा बोनस है, लाभ लेना चाहिए उसका, और भक्ति होती है तो बहुत अच्छा है, उसमें क्या है, जो काम दिन में नहीं होता है रात को होता है। थोड़ा आहार के ऊपर भी बोलोगे स्वामी जी? इसके ऊपर आहार, आहार फूड, आहार, हाँ हाँ आहार, आहार का तो ऐसा है ना
इसके दो बातें तो बहुत है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ ना तो एक तो चित्त की हाजिरी में खाना चाहिए, यानी खाते वक्त हमारा चित्त हाजिर रहना चाहिए, खूब चबा चबा के खाना चाहिए, बराबर है, और भूख से कम खाना चाहिए, पूरा पेट भरना नहीं चाहिए, उसको उणोदरी बोलते हैं, उणोदरी बोलते हैं, और शास्त्र में उसकी व्याख्या थोड़ी उस प्रकार से दी है कि भूख है तो उसका 50% हिस्सा भोजन से, अनाज से, 25% हिस्सा पानी से, और 25% खुला रहने देने का, उतनी वायु संचार के लिए, और इतना सब वो मैथमेटिक्स नहीं जमता है तो एक सिंपल रखने का कि और एक रोटी अंदर चले जाएगी वहां पे अटक जाने का, इतना थोड़ा खाली रखने का, भूख से थोड़ा कम खाओ, खूब चबा चबे खाओ और चित्त की हाजिरी में खाओ, ये तीन सिद्धांत रखे तो आरोग्य भी अच्छा रहेगा, खाना हजम भी हो जाएगा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगत्य की बात ये है, महत्व की बात ये है कि जागृति हमारी बनी रहेगी, हमारी जो आत्म जागृति है वो बनी रहेगी, जो नींद वाली भाग है वो भाग नहीं आएगी। तो ये मुख्य आहार के सिद्धांत, फिर उसके आहार के थोड़े प्रकार के बारे में बताया है कि जितना अहिंसक आहार लिया जाए तो उतना जागृति में हेल्पिंग है, यानी सबसे वो नॉन वेज है वो तो हम कोई खाते नहीं है, नॉन वेज है, अंडा है, फिर आलू प्याज वगैरह आते हैं, और उसका भी दिया, तो समय संजोग के अनुसार जितना हो सके उतना अहिंसक आहार दिया है तो आत्म जागृति के लिए हेल्पिंग है, ऐसा एक दूसरा एक मूल सिद्धांत है। और तीसरी बात तो ऐसा है ना कि हमारे शरीर में कुछ परमाणु हम लेके आए हैं, उस जिसकी वो खाने की रुचि कुदरती उत्पन्न होगी तो उसका भी निकाल करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत मीठा खाने का इच्छा हो रही है या खट्टा या तीखा तो उसको नॉर्मलिटी में रखने का, खाओ लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही दिन सब खत्म कर दो, तो समरसी खुराक जिसको बोलते हैं, 6 प्रकार के जो रस है ना, खारा तीखा खट्टा वो सब, तो सारे प्रकार के रस हमारे शरीर में जाने चाहिए, एक प्रकार के रस की रुचि अधिक है तो भले वो थोड़ा ज्यादा जाए, लेकिन दूसरे यानी कड़वा तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊं या ऐसा तो तीखा तो बिल्कुल ना खाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑल 6 प्रकार के रस हमारे शरीर में जाने चाहिए स्वास्थ्य के लिए, ये भी एक समझने वाली बात है आहार में, जो हम 7वीं कलम में बोलते हैं समरसी खुराक लेने की शक्ति दे। और थोड़ा और एक जस्ट थोड़ा ऐड कर दूं, टाइम थोड़ा हो गया है वैसे तो छोटा सा एक ऐड कर दूं, जो हमारे जो जो 7वीं कलम में लिखा है कि कोई पन रसमा लुप्तपणु न, किसी भी रस में लुप्तपणु न करने की शक्ति दे, यानी क्या है जब भी जो आया वो खाओ, लेकिन अगर कोई अच्छा पकवान या अच्छी चीज हमें किसी के यहाँ गए और खाई है और याद रह जाता है, अरे पिछले बार आपने वो बनाया था वापिस ये बनाओ, तो लुप्तपणु है वो, अगर हम ना रखे तो अच्छा है, जब जो मिला खाओ और भूल जाओ बस, लेकिन जितना लुप्तपणु रहेगा तो उतना हमारे प्रकृति में जागृति गई, जागृति रखनी आत्मा में, ये पुद्गल में खींचने वाली बात है। संक्षिप्त में थोड़ा मैं इतना कहूंगा लुप्तपणु क्या है और आहार का प्रकार और कैसे खाना चाहिए, ऐसा मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्विकली इंदिरा बहन अलवर, इंदिरा बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए, जय सच्चिदानंद पूर्णिमानंद जी, हाँ जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए स्वामी जी। अभी जो रेशम बहन ने बात करी ना कि जो संसारी बात सुनने की मेरी इच्छा नहीं है और मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती, संसारी बात मैं अपने उसमें ही रहना, अगर सामने से कोई ऐसा आए कोई और वो संसार की बात करता रहे और ज्यादातर हम बाहर निकले अपने घर में ही, तो वो उसको संसार की बुराई भलाई, तो उसको कैसे बड़ा अंदर भाव सा भी बिगड़ता है कि इस पे यही बात है और सुनना भी नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए खाली भावना रखनी पड़ेगी हमको कि हे दादा भगवान, मुझे ऐसे संयोग प्राप्त न हो जिसमें ये राग द्वेष हो या टिक्का टिप्पण हो, ये मुख्य तो ये भावना रहेगी। और अगर किसी व्यक्ति ने शुरू कर दिया बातें इस प्रकार की, दूसरों की टिक्का निंदा हो या जो भी हो, तो हमें अंदर से चालू कर देने का, हे दादा भगवान टीका न करू न कराओ, कर्ता प्रत्यय न अनुमोदन करू, ऐसी शक्ति दे, हमें अंदर से रिवर्स चालू कर देने का मन में, भले वो आदमी बोलते जावे, अगर हम ऐसा करें तो हम उसमें तन्मयकर होते नहीं है और ऐसे संजोग ना हो इस प्रकार के हम बीच डालते। अच्छा, और कुछ भी हाँ हूँ नहीं करें, हाँ हूँ तो करना पड़ेगा ना,
हाँ तो अभी इसमें बोल रहा हूँ अंदर से ये बोलने का, उससे क्या होगा मालूम है, आप ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप है ना हाँ तो नहीं बोलोगे, आप डाइवर्ट कर दोगे बात को, अगर मुंह में उंगली भी डाले ना हाँ तू बोलती नहीं है बोलो क्या है, तो बोलने का अभी क्या ऐसे है ना ऐसे चीज में मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है, अच्छी बात करते है ना देखो मालूम है ऐसा ऐसा हुआ, तो बात को डाइवर्ट कर देने की। और वो शक्ति आपके अंदर उस समय अवश्य 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 उत्पन्न होगी अगर आपने अंदर से ये चालू कर दिया दादा टीका न कराए न करावाए कर्ता प्रत्यय न अनुमोदे, वो भले बोले अगर आपने ये दादा को याद करके किया ना आप में वो शक्ति भी आएगी संजोग भी आएगा और बात टल जाएगी। हाँ कई बार क्या भाव बिगड़ जाते हैं बाहर, अरे हम बाहर जाएंगे तो वो फिर वही बात शुरू कर देंगे, ऐसा छुपना भी पड़ता है कई बार स्वामी जी, तो ये गलत हो जाता है ना। अगर अगर हमको पहले से मालूम है कि इस व्यक्ति के साथ जाना होगा और इस व्यक्ति इस प्रकार की बात करने वाली है, तो हम बाहर निकलने से पहले ही दादा से जरूर प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दादा भगवान, और व्यक्ति है तो व्यक्ति के अंदर के शुद्धात्मा भगवान, ऐसी कोई बात ना हो जो मोक्ष मार्ग में बाधक हो, टीका ना हो ऐसा ना हो, ऐसी हम अगर प्रार्थना करके हम जाएंगे तो अवश्य अवश्य ऐसे संजोग निर्माण हो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, पुली नंदी आप त्रिमंत्र पुनः इंद्राबेन आप फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सब पाव पणासनो, सब पाव पणासनो, मंगलाणं च सुवेसिं, मंगलाणं च सुवेसिं, पडमं हवै मंगलम्, पडमं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।